नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हॉप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टार फिल्म मिशन मजनू मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। क्या ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी या फिर थिएटर पर, ये सभी जानकारी दोस्तों मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और साथ ही साथ बताऊँगा कि ये फिल्म क्या इस फिल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा बॉलीवुड में फिर से कमबैक कर सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो दोस्तों आपको बता दूँ कि पिछले कई सालों से सिद्धार्थ मल्होत्रा की कोई भी बड़ी फिल्म हिट नहीं हुई दोस्तों, और उनके फैंस चाहते हैं कि ये फिल्म हिट होए। तो क्या ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप भी अगर मिशन मजनू फिल्म का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, और अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना मत भूले। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको बता दूँ कि मिशन मजनू फिल्म से रश्मिका मंदाना की, जो कि साउथ की सबसे बड़े खूबसूरत अभी ट्रेंडिंग में चल रही एक्ट्रेस है, वो बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। दोस्तों मिशन मजनू फिल्म के कुछ पोस्टर देखने को मिले हैं जो कि बहुत ही दमदार है, जिनमें सिद्धार्थ मल्होत्रा हाथ में गन लिए पीछे बिल्डिंगें जलती हुई दिखाई दे रही है, और दोस्तों 19 का लुक देख रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह के अमिताभ बच्चन पैंट पहनते थे बेल बॉटम टाइप, कुछ इस तरह के बेल बॉटम टाइप पैंट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्शन दिया है शांतनु बागची ने, और इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं अमर बुलटाला। स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म के अंदर लीड रोल में हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा मजनू का रोल करते नजर आएंगे, वहीं दोस्तों उनका साथ देगी रश्मिका मंदाना जो कि उनकी गर्लफ्रेंड का रोल करते नजर आएंगी। साथ ही साथ एक्ट्रेस के तौर पर हमें परमित सेठी देखने को मिलेंगे, प्रवीण दीवान जैसे बढ़िया स्टार देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारे स्टार हैं। दोस्तों ये एक मल्टी स्टारर फिल्म रहने वाली है, और इस फिल्म की स्टोरी लिखी है अजीम अरोरा ने, सुमित बेटजा ने मिलकर। दोस्तों इस फिल्म का बज बहुत ही हाई बना हुआ है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के अंदर पहली बार सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऑपोजिट रश्मिका मंदाना देखने को मिलेगी। जो दोस्तों आपको बता दूं कि रश्मिका मंदाना की फैन फॉलोइंग बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, और ये फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म रह सकती है, और दोस्तों जिस तरह से इस फिल्म का बज बना हुआ है उस हिसाब से अगर कोविड की सिचुएशन बहुत ही बढ़िया रही तो मिशन मजनू फिल्म अपने लाइफ टाइम में 150 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर सकती है, और दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है। और दोस्तों ऐसी सिद्धार्थ मल्होत्रा रश्मिका मंदाना और बॉलीवुड की फिल्म की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सही जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल बी टाउन आपको सब्सक्राइब कर दें।